खाद्यान्न को संजो कर रखना किसी भी देश के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है और 64 साल से इस काम को केंद्रीय भंडारण निगम बखूबी निभा रहा है। अन्न उपजाओ, संभाल कर रखो, खुशहाल बनो के मूल मंत्र को अपनाकर निगम ने करोड़ों भारतीयों के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम किया है। निगम ने वेयरहाउसिंग अधिनियम के अंतर्गत 2 मार्च 1957 से अपने सफर की शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते आज ये एक प्रमुख भंडारण एजेंसी बन चुका है। उपलब्धियों के आधार पर निगम मिनी रत्न श्रेणी ए संगठन है, जो अपने उल्लेखनीय कार्यों के साथ साथ अपनी आय में भी निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। निगम वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में सहयोगी कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों को परामर्शी सेवाएं और कुशल प्रबंधन भी देता है। निसंदेह निगम ने कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। केंद्रीय भंडारण निगम ने अपने उत्थान तथा भावी योजनाओं को कारगर रूप देने के लिए विभिन्न आईटी क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाया है, जिसके सकारात्मक प्रयास सामने आ रहे हैं। निगम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट द्वारा पेट्रोपोल से भारत बांग्लादेश और अटारी से भारत पाकिस्तान के बीच भूमि मार्ग के माध्यम से आयात निर्यात का संचालन करता है। भारत की प्रीमियर वेयरहाउसिंग एजेंसी होने के नाते केंद्रीय भंडारण निगम 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद अपने 422 वेयरहाउसों के जरिए 129 लाख मीट्रिक टन तक सामान के स्टोरेज, रखरखाव, हैंडलिंग, क्लियरेंस और लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराता है। वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस ने अचानक दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगाया और वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया तो पूरा देश ठहर सा गया था, मगर निगम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंदों को खाद्यान्न पहुंचाकर अपना सामाजिक दायित्व बखूबी निभाया। लॉकडाउन में भी केंद्रीय भंडारण निगम ने अपने सभी दफ्तर खोले। नतीजा ये रहा कि पूरे देश में किसी भी राज्य को फूड ग्रेन या इंडस्ट्रियल सामानों की किल्लत से नहीं जूझना पड़ा। कोविड काल में निगम ने कई शानदार और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। केंद्रीय भंडारण निगम ने 2019-20 के अपने वार्षिक टर्नओवर को 2020-21 में महज 8 से 9 महीने में ही पूरा कर लिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 300 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष में निगम को अनुमानित 600 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद है। कोविड के दौरान लॉन्च की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निगम ने रिकॉर्ड 34.78 लाख मीट्रिक टन अनाज की हैंडलिंग तथा 184.64 लाख मीट्रिक टन पीडीएस अनाज के स्टॉक का प्रबंध किया। निगम के 127 केंद्रों पर 3,478 रेलवे रैक्स के जरिए 46.09 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन का संचालन किया गया। 25 कंटेनर फ्रेट स्टेशन या इनलैंड क्लियरेंस डिपो पर 2,93,550 कंटेनर्स का संचालन किया गया। इसी दौरान निगम ने 51,000 मीट्रिक टन स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर दी और 1,00,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी तैयार की जा रही है। वर्चुअल हायरिंग व एचआर के डिजिटाइजेशन की ओर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया। इस अभूतपूर्व संकट काल में राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए निगम और निगम के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 5,77,00,000 रुपए का योगदान दिया। साथ ही निगम ने कोरोना काल में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। इसी दिशा में बड़ा कदम था स्टोरेज टैरिफ में बढ़ोतरी को 1 साल के लिए स्थगित करना। और इस मुश्किल कोविड समय में निगम की एक और अभूतपूर्व उपलब्धि रही कि CWC देश की पहली CPSU बनी, जिसे ISO 37001 यानी एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। 25 मार्च से ही निगम ने ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू कर ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन किया तथा कर्मचारियों द्वारा
वर्क फ्रॉम होम किया गया। लॉकडाउन के दौरान सभी अनुबंधित श्रमिकों को समय पर पूर्ण भुगतान किया गया। कार्मिकों तथा उनके परिवार को इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निगम ने नियमित कर्मचारियों को मास्क, फेस शील्ड तथा ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर और दवाओं जैसे सामान की खरीद के लिए 10,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की। कर्मचारियों का समय समय पर कोविड तथा एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया। सभी कर्मचारियों को CGHS में इलाज की सुविधा देना निगम की वो पहल है जिसका फायदा देश भर में निगम के हजारों कर्मचारी उठा रहे हैं। निगम ने लॉकडाउन के बावजूद अपने सभी वेंडर्स का समय से भुगतान किया। CWC ब्रेव वेरियस ने कोविड के दौरान 10 महीने में 2,500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट में डिसइंफेक्शन का काम किया। कोविड की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने में इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। निगम के कर्मचारी रेलवे, एयरपोर्ट्स, बैंकों, एम्स, IRCTC और गेल जैसे 300 संस्थानों और 3,000 स्थानों पर कोविड के बचाव के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा दे रहे हैं ताकि देश वायरस से इस जंग को पूरी तरह से जीत सके। मगर केंद्रीय भंडारण निगम के कदम यही नहीं रुके हैं, वो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कुछ अहम कदम उठाने जा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन के मुहिम के तहत, ड्राइव के तहत यह निर्णय लिया है कि जितना भी खुला जगह है, खाली जगह है, वहाँ पे गुड़ाव बनाएंगे और इससे हमारा जो खाली लैंड पड़ा हुआ है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वह मोनेटाइज हो पाएगा। उससे हमें इनकम मिलेगा और यह केवल देश को ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचना नहीं होता है, बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एसेट का, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वेयरहाउस हो, चाहे उसके स्टाफ हो, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कमर्शियल यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाएँ जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो देश का ग्रोथ होगा, और साथ में जो कर्मचारी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका भी ग्रोथ होगा। निगम की योजना है कि वो वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। इसी विजन के मुताबिक निगम ने निजी सेक्टर के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इसी दिशा में पहला कदम है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स की स्थापना। इसके लिए सरकार के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत निगम अपने उन लैंड रिसोर्सेज की पहचान कर रहा है जो अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। निगम चाहता है कि इन संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विकसित किया जाए। निगम का विचार है कि निजी सेक्टर से BOT मॉडल के जरिए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सकता है, जो आखिरकार निगम की क्षमता को और बढ़ाएगा। ये भविष्य की ओर बढ़ते कदमों में सिर्फ कुछ हैं जो केंद्रीय भंडारण निगम को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में स्थान दिलाएंगे। निगम का लक्ष्य है एक ऐसा कॉरपोरेशन जो देश के किसानों को सबसे भरोसेमंद, सस्ता और मूल्य आधारित वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन उपलब्ध करा सके। केंद्रीय भंडारण निगम अपने मजबूत इरादों के साथ हर संकट को अवसर में बदलने में जुटा है। आइए आज हम सब मिलकर के ये प्लेज लें कि हम CWC को 5,000 करोड़ की कंपनी आने वाले कुछ वर्षों में बनाएंगे, और उसका माइलस्टोन मैं रखना चाहूँगा 2025। यह उपक्रम मिनी रत्ना उपक्रम है, इसको हम नवरत्ना और महारत्ना की तरफ लेते हैं, और तभी हम योगदान अपने स्टाफ और फैमिली को दे पाएंगे, अपने सोसाइटी को दे पाएंगे और अपने देश को दे पाएंगे। जय हिंद। इस नारे के साथ कि केंद्रीय भंडारण निगम ना थका है ना थकेगा, देश के विकास का पहिया ना रुका है ना रुकेगा।